तो चलो, तुम लोग का इतना ही मन है तो एक बार उसको रिवीजन कर ही लेते हैं, फॉर्मूला को सोच के। कोई बात नहीं, चलो 5 मिनट लगेगा टाइम, 5 से 10 मिनट अपना टाइम जाएगा उसमें, फॉर्मूला एक बार रिवीजन करने में। कर लेते हैं, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है तो देख लेते हैं। चलो 10 मिनट, सभी कोई रिवीजन भी हो जाएगा इसी बात। चलो स्टार्ट कर, देखो फॉर्मूला फिर से रिवीजन करवाना था, ठीक है। तो देखो हम लोग सीखे क्या थे कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का क्या होता था, रिवर्स प्रोसेस हो रहा था। अब आ जा रहा है ना, सभी को सुनाई पड़ रहा ना प्रॉपर? हाँ, हाँ सर, दिखाई दे रहा है अच्छे से सभी को? हाँ सर, हाँ सर, ठीक। आओ, हम लोग सीखे थे क्या रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पहले बेसिक डिफरेंशिएशन तुमको हम सिखा चुके थे, तो जैसे हम सीखे थे क्या, फर्स्ट में लेते हैं डिफरेंशिएशन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो हमारा क्या मिलता था रिजल्ट, कॉस एक्स। तो हम क्या सीखे थे, किसी का स्पीकर ऑन है? ठीक है, स्पीकर ऑफ कर दिया करो। हाँ, स्पीकर ऑफ करके रखा करो कोई। तो हम क्या सीखे थे कि जो इंटीग्रेशन होगा वो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा डिफरेंशिएशन का। तो साइन एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स मिलेगा। तो अगर हमसे कोई बोलेगा कि कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन कॉस एक्स इनटू डीएक्स, तो हमको क्या मिलेगा, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या है, साइन एक्स। यहाँ लगाएंगे क्या, साइन एक्स प्लस सी। जब इंडिफिनिट होता है तो प्लस सी लगता है, ठीक है। उसी तरह सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ बोलो। हेलो सर, ब्लर हो रहा पूरा, ब्लर क्या बोले, फिर ब्लर हुआ है, बोला ब्लर से तुम लोग स्टार्ट हो गया, ब्लर हो रहा है, ऐसा है क्या सभी को? नहीं सर, सभी को नहीं। सभी को नहीं है? देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, पढ़ाने दो हमको। जिनको ब्लर हो रहा है ना वो ऑफ हो जाओ, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जिनको ब्लर हो रहा है, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो ऑफ कर दो, ठीक ना। और इसका रिकॉर्डिंग ये हो ही रहा है, और रिकॉर्डिंग जब हो जाएगा तुमको ये इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर जाके यूट्यूब में इस वीडियो को देख लो अच्छे से, ठीक है। जिनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, और जिनके साथ प्रॉब्लम नहीं है वो कंटिन्यू करो। जिनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो बार बार ये मत बोलो हमको कि हाँ सर ब्लड हो रहा है, हाँ सर ये नहीं हो रहा है, हाँ सर ये नहीं हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा कि हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे तुमको, ठीक है। और टाइम भी फालतू में बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा है क्या कि तुम डिस्कनेक्ट हो जाओ, तुम जाके वहां यूट्यूब चैनल पर देख लेना, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखे थे क्या, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो क्या मिलता था, माइनस साइन एक्स। तो हमसे कोई पूछेगा कि इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डीएक्स लेंगे। तो क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस, कॉस एक्स को किए तो माइनस साइन एक्स मिला। तो साइन एक्स को करेंगे क्या होगा, इस माइनस को इधर लेके आ जाएंगे लेफ्ट में, इस माइनस को इधर लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, तो क्या जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यही ना सीखे थे? हाँ हाँ सर, सर, थर्ड नंबर। देख लो 5 मिनट में पूरा कर देते, समझ लेते, फिर प्रॉब्लम किसी को है। डिफरेंशिएशन 10x और विथ रिस्पेक्ट टू x, 10x को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो मिलता था क्या, सेक स्क्वायर x। तो हमसे कोई पूछेगा कि सर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इनटू dx। तो 10x को करेंगे तो सेक स्क्वायर x मिलेगा, तो सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 10x। यहाँ 10x है तो क्या मिलेगा, 10x और प्लस यहाँ c लिखेंगे। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तुमको याद भी रखना पड़ेगा, कहीं भी देखेंगे अगर हम लोग इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो बोल देंगे क्या, 10x प्लस सी। फोर नंबर, डिफरेंशिएशन सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू 10x। तो अब हमसे कोई पूछेगा कि इस सेक एक्स इंटू 10x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा क्या, सेक एक्स। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx, हमारे यहाँ पर क्या है, सेक एक्स है, तो मिलेगा क्या, सेक एक्स प्लस सी। क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस सी।
क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर है? हाँ, तो नोट तो नहीं ना करना है किसी को? नोट है ना सभी के पास पहले से किया हुआ? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिस नोट है? ठीक ठीक चलो हम इसको हटा रहे थे। नोट सभी के पास होगा, बस रिवीजन कर रहे थे, बोल रहे थे कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम है सर फॉर्मूला में, तो चलो फिर से देख लेते हैं। फाइव नंबर, उसके बाद देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन cot x with respect to x, cot x को डिफरेंशिएट करते थे माइनस cos x स्क्वायर x मिलता था, ठीक है? तो हमसे पूछेगा इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x into dx, इस ओनली cos x स्क्वायर x को बोल रहा है इंटीग्रेट करेंगे क्या, इस माइनस को क्या करेंगे इधर राइट से उठा के लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, तो क्या जाएगा माइनस cot x प्लस क्या, क्या हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। उसके बाद देखे थे नेक्स्ट डिफरेंशिएशन cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या देखे थे माइनस cosec x इंटू cot x, तो हमसे पूछेगा कोई इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x इंटू dx, मतलब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इस माइनस जो है यहाँ ये जो माइनस है राइट में, इस माइनस को क्या करेंगे लेके लेफ्ट में आ जाएंगे, इस माइनस हमारा लेफ्ट में आएगा तो क्या जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस क्या जाएगा सी। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, इसके आगे आओ। इसके बाद हम लोग कुछ और फॉर्मूला देखे थे, ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूला है, ये तुमको याद ही रखना होगा, इंटीग्रेशन का बेसिक रूल और बेसिक फॉर्मूला, ये दो चीज याद ही रहना चाहिए, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल और बेसिक फॉर्मूला याद रखें उसी टाइप से। देखो जैसे उसके बाद देखिए सिक्स सेवन नंबर ले लो, देखिए क्या डिफरेंशिएशन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को करते थे तो क्या मिलता था, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन, तो इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स क्या मिलेगा, वन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा या एक्स से तो क्या मिलेगा एक्स प्लस सी। क्लियर है? आठ एट नंबर डिफरेंशिएशन अंडर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मिलता था क्या वन बाई टू अंडर रूट एक्स, तो हमको बोलेगा वन बाई अंडर रूट एक्स को ओनली इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेशन वन बाई अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में टू है तो इस टू को यहाँ से रिमूव करना होगा, तो इस टू को कहाँ रिमूव कर दे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, टू हमारा इधर क्रॉस होकर नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा टू अंडर रूट एक्स प्लस, तो क्या मिलेगा टू अंडर रूट एक्स प्लस। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, नाइन नंबर देखो फिर पॉइंट, डिफरेंशिएशन log x विथ रिस्पेक्ट टू x, log x को करते थे डिफरेंशिएट मिलता था 1 बाई एक्स, अब हमसे कोई पूछेगा 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाई एक्स को करेंगे तो यहाँ क्या है log x मिलेगा क्या log x प्लस सी। टेन नंबर डिफरेंशिएशन e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो एकलौता फंक्शन e के पावर x ही, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, तो इंटीग्रेशन भी बोलेगा e के पावर x into dx क्या होगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन भी करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ e के पावर x ही है, यहाँ मिलेगा क्या e के पावर x प्लस c, e के पावर x प्लस c। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद देखो आगे
टेन इलेवन जैसे हम देखे डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए के पावर एक्स इंटू क्या जाएगा लॉग ए होगा ना, सीखे थे ना कॉन्स्टेंट के पावर वेरिएबल जैसे ए के पावर एक्स है, ए के पावर एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता था ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब हमको बोलेगा ओनली ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, यहाँ पर जो इंटू में लॉग ए जो कांस्टेंट है इसको रिमूव करना हो या हटाना होगा, इसको हम कहाँ लेकर आ सकते इसको इसका डिनोमिनेटर में इधर लेकर आ जाओ, जैसे बोलेगा इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ में क्या है ए के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स, इस लॉग ए को रिमूव करना होगा तो इसको कहाँ लेकर आ गया यहाँ डिनोमिनेटर में तो बाई कहा जाएगा लॉग ए प्लस सी। क्लियर है, उसके बाद देखे थे हम लोग लास्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन, देखे थे क्या एक्स के पावर एन प्लस वन, अब बाई रहता था एन प्लस वन, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको करते थे तो क्या मिलता था एक्स के पावर एन मिलता था कि नहीं, एक्स के पावर एन प्लस वन अब बाई रहता था एन प्लस वन, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो रिजल्ट क्या आता था एक्स के पावर एन। हमसे पूछेगा इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स तो रिजल्ट इसका क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा रिवर्स, यहाँ में क्या है x के पावर n प्लस वन और डिनोमिनेटर में क्या है n प्लस वन प्लस सी, यही सीखे थे ना फॉर्मूला बताओ। हाँ सर। हाँ सर, यहाँ तक हो गया सभी का। हाँ सर। हाँ सर, चलो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना कुछ? नहीं सर। नो सर। चलो इसके बाद लिखना यहां तक, अब हेडिंग डालना सम इम्पोर्टेंट नोट्स, ये सम इम्पोर्टेंट रूल लिख देना, सम इम्पोर्टेंट रूल। देखो सम इम्पोर्टेंट रूल में तो हम लोग दो तीन रूल सीख चुके हैं पहले भी, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स रहता था तो फिर सेपरेट सेपरेट करते थे, एफ एक्स माइनस जी एक्स रहता था वहां भी हम लोग सेपरेट सेपरेट करते थे, इंटू रहता था कोई कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में रहता था एफ एक्स के तो कांस्टेंट को कॉमन लेके इंटीग्रेट करते थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा सर। याद आ रहा है, ठीक है। उसको और हमको एक दो चीज सीखना है, जैसे अगर बोला जाए कि इंटीग्रेशन, ध्यान से समझना इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, जैसे हम लोग देखिए अभी इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जल्दी से, साइन एक्स का याद है ना, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, याद रखा करो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, रिजल्ट एकदम याद रखना है, इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको एक अच्छे से एक पेज में नोट कर लेना है, उसको दो चार पांच बार रीडिंग डालना है और एक तरफ डिफरेंशिएशन लिखना एक तरफ इंटीग्रेशन लिखना, ताकि साथ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों याद हो जाएगा तुमको बेसिक फॉर्मूला जो है, ठीक है। तो देखो साइन एक्स को इंटीग्रेट किए तो क्या यहाँ पर सेम रिजल्ट मिला क्या, साइन एक्स मिला क्या, नहीं डिफरेंट आया, क्या आया माइनस कॉस एक्स प्लस सी, मतलब अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ये हमारा डिफरेंट आएगा, तो हम मानते हैं कि एफ एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एक स्मॉल जी एक्स मिलेगा प्लस सी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर हम माने कि एफ एक्स हमारा साइन एक्स होगा तो जी एक्स हमको क्या मिलेगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जी एक्स हमारा क्या जाएगा माइनस कॉस एक्स, ऐसे बोलने का मतलब क्या है कि अगर इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, यहाँ क्या जाएगा साइन एक्स प्लस सी, बोलने का मतलब क्या है अगर एफ एक्स हमारा कॉस एक्स होगा यहाँ पर जी एक्स की जगह हमारा क्या जाएगा साइन एक्स होगा, दोनों डिफरेंट है ना एफ एक्स और जी एक्स दोनों हमारा क्या है डिफरेंट है ना, मतलब अगर एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको जी एक्स फंक्शन मिलेगा, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर साइन एक्स को डिफरेंट इंटीग्रेट करें सॉरी
डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट। साइन एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या ऐसा है क्या कि साइन एक्स को इंटीग्रेट किया और साइन एक्स ही मिला? वो सिर्फ एक में चलेगा, एक्सपोनेंशियल में। वो एकलौता फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल हमारा एक एकलौता फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी सेम, डिफरेंशिएशन भी सेम। उसके अलावा जितना है सबका डिफरेंट होगा। साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी। तो उसी तरह हम लोग बोल रहे हैं कि एफ एक्स को करेंगे तो क्या मिलेगा, जी एक्स प्लस सी। क्लियर है, आ रहा बात समझ में? हाँ। सेकंड कंडीशन है, अगर दे देगा इंटीग्रेशन एफ और इस एक्स के जगह में लिख देगा ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स देगा, ठीक है? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे जी ए एक्स प्लस बी, और एक्स का जो कोफिशियंट यहां है ए, इसको लिख देंगे डिनोमिनेटर में ए प्लस सी। आया बात समझ में, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन एफ यहां पर दे देगा क्या ए एक्स प्लस बी, ओनली एक्स नहीं देगा, यहां में लिखा हुआ रहेगा क्या ए एक्स प्लस बी, कुछ भी लिखा हुआ रहेगा। एक्स का कोफिशियंट हमारा यहां पर ए है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा जी ए एक्स प्लस बी, ठीक है? जैसे एफ एक्स को करते थे यहां जी एक्स मिलता था, तो उसी तरह एफ ए एक्स प्लस बी को करेंगे तो क्या मिलेगा, जी ए एक्स प्लस बी मिलेगा ना। लेकिन यहां पर एक्स का कोफिशियंट जो भी होगा नॉमिनेटर में वो हमारा डिनोमिनेटर में लिखेंगे ए प्लस सी। जैसे एग्जाम्पल समझो, तुमको देगा इंटीग्रेशन, जैसे देगा साइन 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, तो बोलेगा साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो लिखेंगे क्या माइनस कॉस x, x के जगह में यहाँ पर क्या है 2x प्लस 5, यहाँ पे भी लिख देंगे क्या 2x प्लस 5। अब यहाँ पर x का कोफिशियंट कितना है 2, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 प्लस सी। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर, पहले इसको नोट करो, फिर से हम इस पर दो तीन एग्जांपल लेते और अच्छे से बताते तुमको। पहले इसको नोट करो, नोट हो जाएगा तो फिर रिप्लाई देना हमको। हाँ सर, नोट हो गया। हो गया सर। हो गया सर, ठीक ठीक। देखो इस सेकेंड नंबर पॉइंट, ये टू नंबर रिजल्ट, टू नंबर रिजल्ट को थोड़ा सा माइंड में सेट करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि एफ ए एक्स प्लस बी रहता है, ठीक ना? तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे जी ए एक्स प्लस बी, लेकिन एक्स का जो कोफिशियंट ए रहता है उसको डिनोमिनेटर में वो लिखना भूल जाता है। अगर एक्स का कोफिशियंट ए डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो अधूरा हो जाएगा, कंप्लीट आंसर नहीं बोल सकते उसको, वो आंसर हमारा कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर हाल में एक्स का कोफिशियंट ए यहाँ पर आएगा। कैसे आएगा ये भी हम तुमको प्रूफ करते हैं, तो जाओ 10 मिनट पहले थोड़ा सा बताते, फिर इसको भी हम प्रूफ करते हैं कैसे ये आता है। यहाँ तो हो गया? हाँ सर। हाँ सर, चलो समझ गया एक सर। हो गया सर, इसी पर देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड पर ही एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखो यहाँ समझो, अब यहाँ दिया रहेगा इंटीग्रेशन कॉस, अब यहाँ देगा 3x-2 इंटू डी, ठीक है? अब देखो हम लोग को अपने को याद रखना है क्या कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जल्दी से। साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर क्या है कॉस है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स के जगह यहाँ क्या है 3x-2, यहाँ भी लिखेंगे क्या 3x-2 प्लस सी, बट यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है
थ्री है तो इसको डिनोमिनेटर लिखेंगे क्या, थ्री, हर हाल डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, थ्री। आ रहा समझे बात? हाँ सर। हाँ सर, जैसे तुमको दे देगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 5x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। अब हमको मालूम है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है ना, sec स्क्वायर x का क्या होता है, 10x। यहाँ x क्या है, इसको छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, ठीक है। ये देखो 5x प्लस a जो है ये ax प्लस b के फॉर्मेट में ये है कि नहीं, है ना। यहाँ पर 3x माइनस 2 जो है ये ax प्लस b के फॉर्मेट में है कि नहीं। देखो यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया, 3, अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2। यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो गया, 5, और यहाँ b इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो देखो sec स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमको मालूम है sec स्क्वायर x का 10x, याद रखना होगा। तो sec स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x नहीं लिखेंगे, यहां में x के जगह में क्या है 5x प्लस 1, यहां भी लिखेंगे क्या 5x प्लस 1, अब फिर यहां लगाएंगे प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर एक कम आउट, यहां पर देखेंगे कि x का कोएफिशिएंट 5 है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भी क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्लियर है? हाँ सर। आया समझ में कि नहीं आया समझ में तुम लोगों को? आया सर समझ में। ठीक ठीक, नोट कर लो, एग्जांपल देके नोट कर लेना। अब देखो इसको प्रूफ भी कर देते हैं, कैसे आता है ए हमारा डिनोमिनेटर में क्यों आता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट करो एग्जांपल। हो गया नोट? हाँ सर। हाँ सर। ठीक ठीक चलो, अब देखो इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं, कैसे हमारा डिनोमिनेटर में ए क्यों आता है, क्या रीजन है। देखो अभी तो सीखे नहीं है अभी उतना, हम लोग सब्स्टिट्यूशन हम लोग सीखेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहां पर, तब पर भी समझने का कोशिश करना, हम समझाने का ट्राई कर रहे हैं ताकि तुमको समझा दे क्यों आता है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन फंक्शन ए एक्स प्लस बी है इंटू डी एक्स, तो हम लोग अभी जस्ट देखे कि अगर यहाँ पर साइन एक्स रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमारा इंटीग्रेशन साइन एक्स बोलेगा तो माइनस कॉस एक्स होगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स बोलेगा तो साइन एक्स होगा, रिजल्ट हमारा चेंज होता है। ऐसा नहीं ना है कि यहाँ साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स तो रिजल्ट बोलेंगे साइन एक्स, क्या सेम आता है क्या, नहीं आता, बस एक में आता है एक्सपोनेंशियल, उसके अलावा किसी में नहीं आता, ठीक है। तो अब उसी तरह यहाँ पर एफ ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम मान लेते क्या है, यहाँ एफ स्मॉल एफ को करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल जी आ रहा है, यहाँ क्या ए एक्स प्लस बी, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ ए है तो डिनोमिनेटर में ए प्लस सी आएगा। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। दिख रहा है आप सभी को? नहीं सर। नहीं दिख रहा है क्या? सभी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं सर। दिख रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। देखो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है हम बार बार बोल रहे हैं, किसी को नेटवर्क के चलते थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है, जिसके चलते कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा देखो, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लो, देखो मे बी हो जाए, ठीक है। क्या ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखो जिनके साथ प्रॉब्लम है वो एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से जो हम लिंक सेंड किए हुए हैं उसी लिंक को जाके क्लिक करो, ठीक है, और जिनको है वो कंटिन्यू करो, और फिर बाद में थोड़ा बहुत दिक्कत जिनको हो रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है
ये तुमको YouTube में मिल जाएगा, फिर से तुम वहां पर एक बार अच्छे से देख लेना, फिर से कंटिन्यू करके नाइट में जब सोने जाना तो मोबाइल को ले लेना आराम से, एक बार देख लेना शुरू से लेकर लास्ट तक फिर से, ठीक है? चलो कंटिन्यू करें हम। हाँ सर। चलो देखो अब हमको इसको सॉल्व करना है तो ये रिजल्ट आएगा, आएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आना चाहिए जी, ए एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर में ए प्लस क्या सी। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से हम लेट कर लेते हैं लेट, ये इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसको हम लोग आई मान के चलते, ये इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हमने लेते हैं क्या इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, यहां पुट कर देते हैं पुट, ये जो ए एक्स प्लस बी जो है इसको पुट कर देते क्या, ए एक्स प्लस बी जो है इसको मान लेते कि ये हमारा टी है, क्या है हमारा टी है, हमें टी फंक्शन मान लिए कि ए एक्स प्लस बी को हम लेट कर लीजिए कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी है, क्लियर है, आया समझ में यहाँ तक? हाँ सर। हाँ देखो यस सर, अगर हम इसको टी मानेंगे, इस ए एक्स प्लस बी को टी मानेंगे तो इस डी एक्स को भी डी टी बनाना होगा, क्योंकि हमारा सेम वेरिएबल का होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर टी और यहाँ पर डी एक्स, ऐसा तो नहीं हो सकता है, हमारा वेरिएबल सेम होना चाहिए, अगर हम इसको टी मान रहे हैं तो इस डी एक्स को भी तो चेंज करना होगा, करना होगा कि नहीं करना होगा, सोचो एक बार, करना होगा, करना होगा ना, इस डी एक्स को भी क्या करना होगा, डी टी बनाना होगा, क्योंकि ये हमारा टी हो जाएगा तो ये तो रिस्पेक्ट हमारा सेम डी टी होना चाहिए ना, तो डी एक्स को भी चेंज करना होगा, तो हम क्या करते हैं ax plus b equal to t माने हैं, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसी को क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड हम क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, आ रहा समझ में? अब देखो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ax से हम लोग सीखे थे, जैसे हम सीखे थे 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 3, 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 2 कॉमन x को करेंगे तो 1, याद आ रहा है, 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा ना, 5 कॉमन x को करेंगे तो 1, उसी तरह ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे a कॉमन x को करेंगे तो 1 प्लस b कांस्टेंट है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 0, t को करेंगे तो क्या जाएगा dt / dx, होगा कि नहीं होगा पहले बताओ, यहाँ देखो 30 सेकंड तक इसको देखो ध्यान से अच्छे से देखो इस पॉइंट को, आ रहा समझ में, यहां से a कॉमन ले लिए, x को किए कांस्टेंट कॉमन होगा ना, x का डिफरेंशिएशन 1 x के रिस्पेक्ट में, प्लस है तो प्लस का साइन, ये b हमारा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और t को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dt / dx हो गया। हाँ सर। बोलो ये समझ में आया, ये स्टेप कैसे किए हम लोग बताओ, ये समझ में आया ना सभी को? हाँ। अब देखो यहाँ पर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a ही आएगा ना, a प्लस 0 है, a में 0 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, मिलेगा ना, इस साइड में हमारा क्या बचेगा लेफ्ट में a इक्वल टू क्या होगा इधर डी टी बाई डी एक्स, ठीक है? अब देखो इस दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, डीएक्स को ए के जहां ले जा रहे हैं ए को डीएक्स रिप्लेस कर दे रहे हैं, डीएक्स को यहां लेकर जाते हैं इसको यहां लेकर जाते हैं, तो डीएक्स इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं डी टी बाई ए, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं ना? तो यहां तक नोट करो पहले, यहां तक समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम, ए एक्स प्लस बी को माने क्या टी, ए एक्स प्लस बी को क्या माने टी, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट किए, यहां से डीएक्स निकाले, डीएक्स हमारा क्या आया डी टी बाई ए आ गया, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर नोट करो,
नोट हो जाएगा तो रिप्लाई देना हमको। हो गया सर। हो गया सर। ठीक ठीक हो गया सर। ठीक 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 अब देखो आप लिखेंगे नाउ लिखेंगे नाउ नाउ जो इंटीग्रेशन था आई आई इक्वल टू क्या था एफ ई एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स फिर से वही आ रहे हैं जो हम उसको लेट किए थे आई इक्वल टू ठीक है। आप देखो यहाँ में जिसको हम जो लेट पुट किए थे पुट क्या किए थे ए एक्स प्लस बी को टी इसको टी माने थे ना इसके जगह रख देंगे क्या एफ टी रख दिए टी। अब देखो डी एक्स हमारा क्या आया था डी टी बाई ए आया था कि नहीं आया था बताओ dx हमारा कितना आया था dt by a आया था ये आया था। अब देखो यहां से ft into क्या हो गया dt by a मतलब जो हम जिसको हम पुट किए थे उसी को रख दे रहे हैं ठीक है। यहां से देखो 1 by a कांस्टेंट है कॉमन हो गया इंटीग्रेशन क्या बचेगा ft into क्या बचेगा dt बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ बचेगा। और अभी स्टार्टिंग में हम बताए तुमको कि इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा यहाँ मिलेगा क्या जी एक्स प्लस बोले कि नहीं ऐसा मानना है कि स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको इधर साइड मिल रहा है क्या जी एक्स और प्लस सी मिल रहा है तो यहाँ पर एफ एक्स है इंटू डी एक्स है ये एफ टी इंटू डी टी भी हो सकता है यहाँ में क्या मिलेगा जी टी प्लस सी अगर यहाँ टी के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ जी टी हो जाएगा अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पर जी थीटा हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आ रहा है तो उसी तरह यहाँ एफ टी इंटू डी टी है तो इसको क्या लिख देंगे ये तो 1 बाई ए का 1 बाई ए हो गया यहाँ क्या जाएगा जी टी प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं इस रिजल्ट से लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ अब हमको बताओ क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो किसके फॉर्मेट में दिया था एक्स के फॉर्मेट में है उसको हम T के फॉर्मेट में रिप्लेस करके चेंज करके हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये जो T है इसको X के फॉर्मेट में लास्ट में पुट कर देंगे क्योंकि आंसर जो आना चाहिए क्वेश्चन X के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था आंसर भी X के रिस्पेक्ट में ही लेके आना है ना तो हम क्या करेंगे ये जो T है इस T को हम लोग जो पुट किए थे उसको लास्ट में रख देंगे मतलब T के जगह में हम लोग क्या रख देंगे यहाँ से हो गया क्या ये 1 by a है तो 1 by a और g और T के जगह में हम लोग क्या पुट किए थे ए एक्स प्लस बी तो टी के जगह रख देंगे क्या ए एक्स प्लस बी और प्लस क्या सी। हाँ देखो ये जो ए है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है वन है तो ए को यहाँ वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा जी ए एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा ए प्लस सी हुआ कि नहीं होगा देखो फिर से वही रिजल्ट आया कि नहीं आया बताओ आया ना। हाँ तो अपने को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो x का कोफिशिएंट जो भी रहेगा वो हर हाल में डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा क्लियर है। देखो यहाँ पर x के कोफिशिएंट a है तो डिनोमिनेटर में a आया कि नहीं आया इसी को सॉल्व किया आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर इसको नोट कर लेना अच्छे से पहले हो गया सर। हो गया सर नोट कर लेने दो सभी को। हो गया सर। हो गया सभी के। सभी को ही कर लिए नोट। हाँ सर। हाँ सर चलो।
याद रखना अपने को इसको, ठीक है, इस रिजल्ट को, इसका हम लोग बहुत यूज करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज है, इंटीग्रेशन जो भी हम लोग सीख रहे हैं बहुत बेसिक सीख रहे हैं, अभी पूरा इंटीग्रेशन हम लोग को सीखना बाकी है, ठीक है। पूरा कैलकुलस में एक पोर्शन ही है, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस सीखना बहुत बाकी है, ये बेसिक बेसिक चीज सीख रहे हैं, ठीक है। चलो नॉट करके लिखना था, NOT नॉट, नॉट करके लिखना, NOT नॉट। देखो अब हम लोग जो रिजल्ट सीखे हैं उसी से कुछ हम लोग को सीखना है, जो रिजल्ट हम लोग सीखे हैं उससे देखो हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो अब हमको ये बताना कि फर्स्ट रिजल्ट इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू,